निदहास ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले से पहले बांग्लादेश क्रिकेट टीम का सामना श्रीलंकाई टीम से हुआ था, जिसे बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराकर T20 ट्राई सीरीज के फाइनल में जगह बनाई थी। लेकिन इस मैच के जीतने के बाद बांग्लादेशी टीम ने जो हरकत की, उससे इस टीम की कड़ी आलोचना हो रही है। दरअसल इस मैच के बाद बांग्लादेशी टीम ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा ही तोड़ दिया था, जिसे लेकर अब खुलासा हो गया है कि ये दरवाजा किस बांग्लादेशी खिलाड़ी ने तोड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने जीत की खुशी में ये दरवाजा तोड़ दिया था। श्रीलंकाई अखबार दी आइलैंड की रिपोर्ट के मुताबिक मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने शीशा तोड़ने वाले शख्स का नाम जानने के लिए श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच के बाद कैटरर्स से बात की थी। रिपोर्ट के मुताबिक हसन ने शीशे को जोर से धक्का दिया था, जिससे ये दरवाजा टूट गया। साकिब पर इस मैच में उनके खराब बर्ताव और अंपायर की बात न मानने के चलते पहले ही मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया जा चुका है। इसके साथ ही ICC ने उनके खाते में एक डीमेरिट अंक भी दिया है। आपको बता दें कि जब बांग्लादेशी खिलाड़ी ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा तोड़ा और इस पर विवाद बढ़ रहा था, तब पहले ही बांग्लादेशी टीम मैनेजमेंट ने माफी मांगते हुए हर्जाना भरने की बात कही थी। लेकिन इस मुद्दे पर ICC और क्या कदम उठाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।